मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, प्लीज विजुअलाइज, इमेजिन करते रहें। एक बिल्डर था, उसके पास एक कारपेंटर था बढ़ई, तो बहुत काबिल था, वो अच्छे अच्छे इंटीरियर के काम काट सकता था, आर्किटेक्ट्स के। इवन बिल्डर का सबसे बड़ा सपोर्ट, ताकत, बेहद शानदार बिल्डिंगें बनाई, उनमें बहुत खूबसूरत फ्लैट्स, बंगले बनाए, घर बनाए, और सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन था वो इस कारपेंटर का, बढ़ई का था। कभी कभी होता है कि कुछ गुण होते हैं, उन्हें कहते ना गॉड गिफ्टेड, बहुत गिफ्टेड था। क्यों बूढ़ा हो गया तो एक दिन आकर उसने मालिक से कहा कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। मालिक ने कहा कि एक काम कर दो, मेरे एक घर और बना दो। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई, उसे हर्ट हुआ। उसे लगा था मालिक बहुत इनाम देगा, शाबाशी देगा, पर उसके बजाय उसने कहा कि एक और मकान बना दो, ग्रेसफुली रिटायर क्यों नहीं किया। खैर उसे बेमन से वो मकान बनाया, सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया। मालिक ने जो नहीं कहा था वो नहीं बनाया, जैसे स्विमिंग पूल और ऐसे ही, मतलब कच्चा पक्का सा एक घर बना दिया। और मालिक को जाकर चाबी दी, मालिक ने उसे चाबी लौटा दी और कहा मेरा सारी जिंदगी एक ही अरमान, एक ही सपना था कि जब मैं तुम्हें रिटायर करूं या तुम रिटायर हो तो मैं तुम्हें घर गिफ्ट करूं जिसमें बाकी की जिंदगी तुम आराम से, शांति से, सुकून से बिता सको, शान शौकत से। तो ये तुम्हारा घर, ओपन योर आईज। किसी को समझ में आया, बात समझ में आई? ये सिंबॉलिक है, मेटाफोरिकल। ये वो चाबी है जो मैं आखिरी दिन आपको देने वाला हूं, 6 महीने बाद इस घर में। अब आपकी मर्जी है, आपने अगर ये कहानी सुनी है तो फिर आप कैसा घर बनाते हैं, क्योंकि ये वो घर है 6 महीने के बाद जिसमें आप सारी जिंदगी रहने वाले हैं। तो ये याद रखिए, ट्रेनिंग है, टीचिंग नहीं है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी।